क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का हम यूज तब करते हैं जब लगता है कि मल्टीपल आइटम मेरे इमेज में हो, हम किसी सीनरी या पोर्ट्रेट पर काम कर रहे हो, कोई स्कैन इमेज है पोर्ट्रेट का या सीनरी का, उस पर हम काम करने जा रहे हैं और लगता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को मैन्युअली सेलेक्ट करने में मुझे कठिनाई ज़्यादा हो रही है। मैन्युअली अगर यहाँ मोटा मोटी 8-10 पिक्चर और भी घूम रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्विक सिलेक्शन क्या करता है, आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे कि अपने आप इसका एज पकड़ लेगा, या तो ये एज, अगर आपको ये एज नहीं चाहिए, एज मीन्स किनारा, तो आप इसको हल्का सा और एक्सपेंड करेंगे, ये फट से इसको पकड़ लेगा। तो आपको मैन्युअली उस पॉइंट तक पहुंचाने की नौबत नहीं आएगी, यह ऑब्जेक्ट के किनारों को या कोनों को फाइंड आउट कर लेता है अपने एआई टूल की वजह से। कॉपी करते हैं तो हाँ ठीक है, लेकिन तब ना जब पिक्चर्स बहुत अलग अलग हो। एक मिनट के लिए आप अपना हाथ हटाइए, आप तीनों आदमी, अगर इनमें से किसी एक बुक को उठाना है, अभी सोच के देखिए कहीं कोई ब्लैंक एरिया है इस टूल पर, यहां से लेके यहां तक कहीं ब्लैंक एरिया है, आप अपने माउस को कहां से शुरू करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट अश्वनी, याद रखिए कि किसी भी कमांड को या किसी भी सिलेक्शन टूल को ब्लैंक स्पेस चाहिए, बिना यानी कि आप किसी के सर पर बैठ करके सिलेक्शन यूज नहीं कर सकते। लेकिन फोटोशॉप में अगर हम इस स्टेज में हैं और लग रहा है कि इतनी सारी तस्वीरें आपने बना के रखी हैं, क्यों, आप बुक का काम करते हैं कि नहीं, बुक पब्लिशिंग के लिए फोटोशॉप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो अभी तक हम सिर्फ ट्राइंगल, स्क्वायर और स्टार में घूम रहे हैं, तो हमारी सोच वैसे ही डेवलप होगी। आप इस ड्राइंग से, क्योंकि ये ड्राइंग अकेले है, इसे दिमाग में आ ही नहीं रहा है ना कि सर अकेला है तो क्यों ऐसा यूज करेंगे, अकेला होता तो ये नहीं यूज करते, हम तो मार्किंग टूल यूज करते, लासो टूल यूज करते। लेकिन अगर ऐसे वहां फिगर फैले हुए हैं, सबकी तस्वीरें हैं और सबको आपने चिपका के रखा हुआ है किसी वजह से, और इस बीच में ये बुक आपको उठा लेना है, तो क्विक सिलेक्शन काम आएगा कि नहीं? सीधे ये एज फाइंड आउट कर लेगा लेयर के हिसाब से, और ये सीधे बुक आपको निकाल के दे देगा, बीच में से ये सब को छोड़ देगा। सो दैट इज कॉल्ड क्विक सिलेक्शन। इज इट ओके? अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? दूसरा मैजिक मैन टूल, नाम ही है मैजिक, जादू। जादू मीन्स कुछ, कोई जादू नहीं होता। क्या है कि ये पोर्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए कि मैंने खिड़की से यहाँ से एक सीनरी खींच ली, तो कुछ हिस्सा पूरा ग्रीन दिखाई देगा,